हे गाइस, बेटू बेटी हेयर। तो आज ना मैं बात करने वाला हूँ टोटल गेमिंग यानी कि अज्जू भाई के बारे में। तो अज्जू भाई का जो चैनल जब क्रिएट हुआ था ना, देखो मेरे को अप्रोक्स डेट पता है, ठीक है, लगभग एकदम सेम डेट मैं नहीं बता सकता, बट मैं अप्रोक्स डेट आपको कंफर्म बता सकता हूँ। अज्जू भाई का चैनल 27 अक्टूबर 2018 से पहले बना था। एंड ये मैं कैसे कह सकता हूँ, आपको देख सकता हूँ आपकी स्क्रीन पे, जब अज्जू भाई ने अपने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए थे ना, तो वो डेट थी 27 अक्टूबर 2018। इस दिन अज्जू भाई के चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, मतलब सिर्फ 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। एंड अगले 300 सब्सक्राइबर और ज़्यादा, मतलब लगभग 400 सब्सक्राइबर ना उनके एक महीने बाद कंप्लीट हुए। सोच रहे हो, मतलब एक महीने में उन्हें सिर्फ 300 सब्सक्राइबर बढ़ा पाए, एंड वो एक टाइम था। एंड अगर आज के टाइम की बात करोगे ना, तो एक महीने में अज्जू भाई लगभग मिलियंस में सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं। एंड कहते हैं ना गाइस कि किस्मत बदलने में टाइम नहीं लगता, तो एक टाइम था ना अज्जू भाई का, आप देख सकते हो कितना मतलब बुरा हाल था। बुरा नहीं बोलते, जब स्टार्टिंग में कोई बंदा चैनल ग्रो करता है ना, एंड इतनी स्लो अगर ग्रोथ मिले ना, तो बहुत से बंदे डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट अज्जू भाई ने उस टाइम पर भी स्टिल मेहनत करी थी, एंड आज आप देख सकते हो वो किस लेवल पर पहुँच चुके हैं। कुछ टाइम बाद अज्जू भाई का चैनल अच्छा चल रहा था। एंड आपको मैं बता दूँ, अज्जू भाई पहले वीडियोज़ डालते थे, बाद में उन्हें लाइव स्ट्रीम करना चालू किया था। एंड अज्जू भाई ने ना अपने चैनल पे सबसे पहले जो क्रिएटर थे अज्जू भाई, उन्हें गिव अवे वगैरह सबसे पहले क्रिएटर थे जिनने स्टार्ट किया था। एंड अज्जू भाई ने अपने चैनल में एक चीज़ बहुत सारे कंटेंट डाले, एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो अज्जू भाई के शायद अभी तक आप लोगों को पता होगा, बट नोटिस किसी ने भी नहीं किया होगा। सबसे पहली चीज़ तो अज्जू भाई फेस रिवील कब करने वाले हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लाइक देखना, आप सारे क्वेश्चन नोट करते आना जितने भी आपके मन में आ रहे हैं ना। एंड सबसे पहले मैं बताता हूँ, अज्जू भाई एक लौते ऐसे क्रिएटर हैं जिन्हें अपने चैनल पर गाइस बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं, मतलब बहुत टाइप के कैटेगरी की वीडियो डाली हैं। उन्हें अपडेट्स के बारे में भी डाला, गेम प्ले डाला, एंड उनका गेम प्ले ना बहुत ही ज़्यादा चला। लाइक उन्होंने और भी चीज़ें ट्राई करी थी, बट उनका गेम प्ले बहुत ज़्यादा चल गया था, लोगों को उनका गेम प्ले पसंद आया था। एंड इसकी वजह से अज्जू भाई को बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिली। एंड अज्जू भाई ने बहुत ही अच्छा यूज़ किया था उनके ब्रेन का, मतलब अज्जू भाई की तारीफ करनी पड़ेगी। लिटरली अज्जू भाई ने अपने टाइटल को अच्छे से डाला था वीडियोस में, यूट्यूब में, एंड अच्छी उनकी वीडियो रिकमेंड हुई थी। एंड एक लोग थे अज्जू भाई थे जिनका स्टार्टिंग से जो कमेंट्री बोलने का तरीका होता है ना वीडियो में, सबसे यूनिक था। मतलब कोई भी क्रिएटर ऐसा नहीं था जो इतना एंजॉय करा पाए बंदों को। पहले क्रिएटर थे अज्जू भाई जिन्होंने बंदों को अपनी वीडियो में इतना एंटरटेन कराया था। मैं आपको पता हुआ, जब किसी बंदे के पास बहुत सारे रुपीज़ आ जाते हैं, बहुत सारा फेम मिल जाता है, सेलिब्रिटी टाइप के हो जाता है, तो उनके उनके अंदर ना एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता है। बट हमारे अज्जू भाई के अंदर ना बिल्कुल नहीं है। अगर आप उनका पहला वीडियो उनके चैनल से सबसे ओल्डेस्ट वीडियो उठा के देख लोगे, एंड अभी का वीडियो या लाइव स्ट्रीम चेक करोगे ना, तो उनके बोलने के तरीके में एंड बात करने के तरीके में लिटरली बिल्कुल भी चेंज नहीं है, एकदम सिमिलर है। एंड हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में, इंडियन सर्वर में सबसे पहले क्रिएटर थे अज्जू भाई जिन्होंने वीडियोज़ अपना एकदम हाई क्वालिटी का प्रोवाइड किया था। मतलब इतना अच्छा क्वालिटी का वीडियो आता था ना, शायद आपको गेम खेलने में भी इतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता था, इतना उनके वीडियो में क्वालिटी आता था। एंड आपको बताओ, अज्जू भाई का चैनल भी हैक हो गया था उस टाइम पे। अज्जू भाई की हेल्प बहुत कम, मतलब लगभग ये मान लो अज्जू भाई की हेल्प की ही नहीं थी किसी ने जब उनका चैनल हैक हो गया था। एंड स्टिल अज्जू भाई का जो ओल्ड इंट्रो था ना, आपको पता होगा अभी के टाइम पे अज्जू भाई का इंट्रो क्या है, एंड अभी के टाइम पे वो इंट्रो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट जो ओल्ड इंट्रो था ना, जब उनका वीडियो स्टार्ट होता था, एक पांडा वाला इंट्रो आता था। एंड स्टिल किसी बहुत ही कम बंदे होंगे जो बात जानते होंगे कि उनका पांडा वाला इंट्रो उनके 100 के सब्सक्राइबर से चलता आ रहा था। एंड आप फिर कुछ टाइम बाद अज्जू भाई को मिले, उनके बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हो, एक ब्रदरहुड की तरह बोल सकते हो, लाइक अमित भाई देसी गेमर। एंड फ्री फायर कम्युनिटी में ना अज्जू भाई एंड अमित भाई एक लौते ऐसे दो क्रिएटर हैं जिनका दोस्ती बहुत अच्छा चला, एंड उनका कॉम्बो भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, दोनों के कंटेंट बनाने का तरीका एंड उनके गेम प्ले का तरीका, एंड उनका जो डुओ पार्टनरशिप तो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था लोगों को। एंड अगर बात करें अज्जू भाई के 28 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे हो, तो अज्जू भाई को, मतलब जो अज्जू भाई की ऑडियंस है ना, लगभग 30% ऑडियंस इंडिया से है, एंड बाकी ऑडियंस बाहर कंट्री से है। एंड ये एक लौते क्रिएटर है, लाइक अगर आप अदर क्रिएटर भी लोगे, ज्ञान गेमिंग वगैरह, तो उनका ज़्यादातर ऑडियंस इंडिया से है, एंड बाहर से बहुत कम ऑडियंस आता है। बट अज्जू भाई का ऑडियंस इंडिया से कम है एंड बाहर से ज़्यादा। अगर सोचो इंडिया का और ऑडियंस उनके पास चला जाए, तो भाई उनको तो वैसे भी अभी भी कोई भी बीट नहीं कर पा रहा है, एंड आगे भी कोई बीट नहीं कर पाएगा नंबर्स में। एंड अज्जू भाई अभी के टाइम पे फ्री फायर के नंबर वन क्रिएटर, मतलब टॉप लेवल के क्रिएटर बने हैं। एंड जब अज्जू भाई ने अपना चैनल स्टार्ट किया था, लिटरली बता रहा हूँ, उनने कभी नहीं सोचा होगा कि आज, मतलब फ्यूचर में उनके साथ ये सब होने वाला है, एकदम इतने हाईएस्ट नंबर के साथ वो वर्ल्ड के नंबर वन यूट्यूबर बन जाएंगे फ्री फायर के, कभी नहीं सोचा होगा। एंड बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो अज्जू भाई ने अभी तक नहीं बताया। अज्जू भाई का जो वॉइस है, मतलब जो बोलने का तरीका है ना, बिल्कुल रियल वॉइस है।
एंड 90% बंदे को पता है वो रियल वॉइस है, लेकिन स्टिल कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि जो वो उनका वॉइस है ना वो एडिटिंग करते हैं उसमें, लाइक पिच वगैरह कुछ यूज़ करते हैं। एंड लिटरली कुछ टाइम पहले मैं भी यही सोचता था, बट अभी के टाइम पे मेरे को लगता है लिटरली अभी भी मैं मानता हूँ कि ये उनका ओरिजिनल वॉइस है, क्योंकि उनका जो वॉइस है ना ऐसा लगता है ना कि लाइक वो एडिटिंग करके आता है, इतना मस्त वॉइस आता है, बट ऐसा बंदे का नहीं हो सकता, ठीक है, बट वो उनका रियल वॉइस है। एंड एक और चीज़, अज्जू भाई अपना फेस रिवील कब करेंगे? तो गाइज ये सवाल ना सबके मन में चला आ रहा है बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग से, इतना टाइम हो गया। गाइज फ्री फायर में दो ही क्रिएटर हैं, मतलब अभी ऐसे क्रिएटर तो बहुत हैं, लेकिन जिनका जो सबसे ज़्यादा फेस रिवील का कॉन्वो है ना हाइप, एक हमारे राय स्टार हैं एंड एक है हमारे अज्जू भाई। लिटरली इन दो लोगों का फेस रिवील का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है ना, बंदे इनका फेस देखने के लिए पागल हो चुके हैं। एंड कुछ टाइम पहले अज्जू भाई का एक फेस रिवील भी हुआ था एंड एक वो वीडियो था किसी चीज़ का एंड लोगों ने उसको मान लिया था एंड वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था, लाइक वो एक डांस का वीडियो था कोई, बट वो लिटरली फेक था। उस टाइम पे जिस बंदे ने वो डाला था ना, मतलब उसने ऐसा फेक बना के अपने चैनल पे डाला था एंड रातों रात वो वीडियो वायरल हो गया था अज्जू भाई का फेस रिवील करके, बट लिटरली वो वीडियो भी फेक था। एंड अभी अज्जू भाई का मेरे को नहीं लगता कि कोई भी विचार है कि फेस रिवील करने का। एंड अज्जू भाई ने बोला कुछ टाइम बाद वो कुछ बड़ा सरप्राइज देने वाला है, तो देखते हैं मे बी वो फेस रिवील कर दें एंड नहीं कर दें, ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड अभी मैं बात करने वाला हूँ अज्जू भाई के बारे में, आपको एक सबसे बढ़िया ट्रिक के बारे में, आपको पता मैं ट्रिक नहीं बोल सकते, अज्जू भाई के बारे में एक सबसे खास बात के बारे में। तो लिटरली अज्जू भाई फेमस क्यों हुए मैं आपको बताता हूँ। अज्जू भाई फेमस सिर्फ इसलिए हुए थे लाइक उनका गेम प्ले अच्छा था, लाइक और भी प्लेयर्स हैं जो पीसी पे खेलते हैं उनका गेम प्ले भी अच्छा है, बट अज्जू भाई का इसलिए फेमस हुआ क्योंकि अज्जू भाई आपको एक वीडियो यूट्यूब पे जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हो ना तो सिर्फ गेम प्ले से आप अच्छे प्लेयर मतलब यूट्यूबर नहीं कहला सकते, लाइक अज्जू भाई को हर एक चीज़ में बेस्ट है, मतलब अज्जू भाई हर एक चीज़ में अज्जू भाई ना हर एक चीज़ में बेटर थे, मतलब बेस्ट नहीं बोलेंगे लेकिन बेटर बोल सकते हैं, जो हर एक फील्ड में बेटर थे, लाइक उनके वीडियो बनाने का तरीका बहुत ही अच्छा था, वीडियो में वॉइस ओवर करने का तरीका तो सबसे बेस्ट था एंड उनका गेम प्ले सबसे अच्छा था एंड ये सारी चीज़ें मिला के ना कॉम्बो बना के एक अच्छा यूट्यूबर बनता है एंड वो हमारे आइडियल अज्जू भाई। एंड भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है, मेरे को इतना ही पता है। एंड अगर आपको कुछ नई बातें पता हो अज्जू भाई के बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर इन फ्यूचर मैं कभी वीडियो बनाता हूँ तो इन चीज़ों को ऐड ज़रूर करूँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अज्जू भाई नहीं कह रहे इस बार मैं ही कह रहा हूँ, तो प्लीज़ याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट।